खरगोन जिले के सेगांव नगर की नारी शक्ति सोशल ग्रुप की महिलाओं ने जनपद कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार और जनपद सीईओ महेश पाटीदार को सेगांव को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। सभी व्यापारियों को खासकर हाथ थैलों पर फल फ्रूट बेचने वालों को भी निर्देश दिए जावे कि खाने पीने की वस्तुओं में पॉलीथिन का उपयोग न करें। ग्रुप की श्रीमती नीना पाठक ने बताया कि हमारे ग्रुप के द्वारा पुरानी साड़ियों की थैलियां बनवाई जा रही है और हम सभी नगर में इन थैलियों को वितरित करके लोगों को पॉलीथिन मुक्त करने का संदेश भी देंगे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राकेश बर्डे और नारी शक्ति सोशल ग्रुप की महिलाएं उपस्थित थी। इस मौके पर तहसीलदार, जनपद सीईओ, नायब तहसीलदार और पत्रकारों को कपड़े से बनी थैलियां भी वितरित की गई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जगह जगह पड़ी हुई रहती है, तो जैसे कि हमारी सरकार चला रही है प्लास्टिक मुक्त भारत, तो उसके लिए हमने प्रयास किया है। हम लोगों ने साड़ी की थैलियां बनाई हैं और अभी हम लोगों ने आज तहसीलदार महोदय और जनपद सीईओ सर को ये दी है और बाकी पत्रकार महोदय सारे को हमने बांटी। और हमारा ये प्रयास है कि हम अभी पूरे गाँव में जाए, महिलाओं को बांटे और उनको जागरूक करें ताकि प्लास्टिक की थैलियां बंद हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।